बैतूल जिले के डहरगांव में पति पत्नी के आपसी विवाद और शराब के नशे में एक मासूम बच्चे की सड़क पर पटकने जिसका मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला भीमपुर क्षेत्र के खदा गांव का है, जहां एक महिला डहरगांव अपने जीजा के घर आई हुई थी। इसी बीच सुखवंती और उसका पति दुर्गेश का घर में विवाद शुरू हो गया। सुखवंती का पति दुर्गेश शराब के नशे में था और उसका कहना था कि वह सुखवंती के बहन से भी शादी करना चाहता है, और इसी जिद के चलते शराब के नशे में उसने अपने ही 7 माह के मासूम बालक को सीमेंट रोड पर ले जाकर पटक दिया, जिससे बालक के कान, पैर और कमर में गंभीर चोट आई हैं। जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने बालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा बालक का उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाँव में आज सुखवंती बाई है, वो अपने पति दुर्गेश के साथ अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने जीजा के घर आई हुई थी। उसका पति जो है दुर्गेश, उसमें इसकी सुखवंती की छोटी सिस्टर है, नाबालिग है अभी, उसके साथ शादी करने की बात कही, जो उन्होंने मना कर दिया। इसी बात को गुस्से में आकर उसने अपने खुद के छोटे बच्चे को, 7 माह का है कृष्णा को, उसको रोड पर पटक दिया। तभी कुछ लोगों ने उसको बचाया तो बच्चे को लाके अस्पताल में भर्ती किया है। अभी फिलहाल में ट्रीटमेंट जारी है, स्थिति अभी ठीक है, सीटी स्कैन उसका बाकी है। और दुर्गेश को जो है ग्रामीणों ने उसको पकड़ के रखा हुआ था, 100 डायल के माध्यम से उसको थाने में ले आया है।